ओए बगैरो कैसे हो रुकीज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक बात क्लियर करनी थी, मुझे ज़रा ये बताओ कि क्या मुझे ऐसी मतलब रूल्स वाली वीडियो करनी चाहिए जहाँ मैं उस पार्टिकुलर कैरेक्टर के ट्रेट्स और उसकी थोड़ी पर्सनैलिटी बताऊँ, थोड़ा उसके अप्स एंड डाउन्स की, उसकी पर्सनैलिटी बनने के पीछे उसकी क्वालिटीज़, या तो मैं स्टोरी मोड में चाहिए जैसे हमने इताची की वीडियो की थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लेना ठीक है। और हाँ दोनों वीडियो पूरी देखना और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, जो ज़्यादा परसेंटेज में होगा उस स्ट्रक्चर की वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स गेट दिस सन ऑफ वीडियो। सो तुम्हें पता ही है कि अगर तुम कई टाइम से इस चैनल पे हो तो तुम लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि मेरा पहले कैरेक्टर गोकू का था, फिर नारुतो हुआ और अब जोरो है जो मैं वीडियो में यूज करता हूँ। मैंने पहले डीबीजेड देखा, फिर नारुतो, अब वन पीस पे हूँ। शायद आगे कुछ देखूँ तो शायद चेंज भी हो सकता है, नोबडी नोज यार। बट इसमें कॉमन पॉइंट ये है कि पहले मैंने जो भी कैरेक्टर यूज़ किए थे ना वो सभी मेन कैरेक्टर थे सीरीज के, लेकिन अब मैं अपने वाइस कैप्टन को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लूफी एज अ कैरेक्टर बहुत अच्छा है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई जोरो से एक अलग ही वाइब आती है और वैसे भी लूफी का कैरेक्टर हिमेश ने ले लिया बदतमीज से। सो मेरे जोरो के प्रति प्यार से मैंने कम्फर्ट को बताया तो उसने भी बोला भाई मस्त है चल वीडियो बनाते हैं। सो नाउ वी आर प्रेजेंटिंग 5 रूल्स ऑफ जोरो और वॉट एवर मे बी करेक्ट अपडेट डाउन, जैसे मैंने पहले बोला आई डोंट नो। सो अब शुरू होगी असली वीडियो, बैठ जाओ आराम से और सुनो। ओ एक बात बोलना तो भूल गया, थोड़े माइनर स्पॉयलर होंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा भाई टेंशन ना लो। और भाई सुन लो, अब मैं ये बात यहाँ बिल्कुल नहीं करने वाला कि जोरो बहुत बैडएस है, लॉयल है, सो अब बार सुन चुके होंगे तुम लोग ये भी। आज हम थोड़ा और अंदर घुसेंगे और मैं बताऊँगा तुम्हें कि जोरो बैडएस और लॉयल के अलावा क्या है। रूल नंबर 1, बीइंग रियलिस्टिक। जोरो के हर ट्रेड का ये सबसे बेसिक ट्रेड है, इसी ट्रेड से बाकी ट्रेड ब्रांचेस की तरह निकलती हैं। नामी को भी हम वाइस कैप्टन रख सकते थे लेकिन जोरो क्यों है, सोचा है कभी? मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जोरो रियलिटी को देख के चलता है, उसके लिए फालतू की बातें कोई मायने नहीं रखती। जब रॉबिन और ओसोपो ने टीम छोड़ी थी ना, याद है जोरो ने दोनों को कितना नेगलेक्ट किया था, तुमने लाइन क्रॉस की है तो क्रॉस करने के लिए कुछ अटोनमेंट होना चाहिए, सॉरी बोलो टीम में तभी वापस आना वरना भाड़ में जाओ। और हेलो जो हमेशा जोरो एक्स रॉबिन करते हो ना, तुम भी सुनो, जोरो ने उससे भी दुश्मनी ले ली थी, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, तुम्हें उसकी परवाह नहीं तो उसे भी नहीं है। इमोशनल लेवल एक जगह, रियलिटी एक जगह। बाकी शोनेन राइवल्स को भी देखो तो वो जब एग्रेसिव हो जाते हैं ना तो उनका दिमाग कभी भी और भटक जाता है, घमंडी हो जाते हैं, लेकिन जोरो का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सोचेगा बैटल में भी अभी क्या सिचुएशन है, कंट्रोल में है कि नहीं है, तो इसे मैं कैसे कंट्रोल करूं। जोरो एकदम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखता है, उसको भगवान होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वन पीस में देखोगे ना तो 70% से ज़्यादा उसके डिसीजन लॉजिकल भी थे और काम भी आते हैं। और वो मोमेंट याद है ना, ही इज़ एन इडियट बट ही इज़ स्टिल अ कैप्टन। रूल नंबर 2, नथिंग हैपेंड। तो क्या तुम्हें वो सीन याद है जिसमें जोरो को आज तक इतना ज़्यादा वेट दिया है एनिमे कम्युनिटी में, जिसमें जोरो ने लूफी के हिस्से का सारा दर्द खुद झेल लिया और बाद में एकदम चौड़ में बोल रहा था नथिंग हैपेंड। इसमें बैडनेस है ओके, लेकिन इससे ऐसे एंगल से मत देखो कि मैं भी जाऊँगा ऐसे दोस्त को दर्द झेल के खड़ा रहूँगा, अब घंटा नहीं खड़ा हो पाएगा, एक चाकू भी लग गया ना दर्द इतना होगा, प्लस डॉक्टर के इंजेक्शन और बाकी इक्विपमेंट्स देख के उल्टा मेंटली और दर्द होगा यार, फट के हाथ में आ जाएगी। सो सीन अच्छा है और वो जोरो है तो मामूली इंसान हो, सो इसे ज़्यादा हीरोइक एक्शन में मत लेना, इसे ऐसे सेंस में देखो कि एक पॉज, एक स्पीड ब्रेकर। वो डायलॉग याद है बाबा रणछोड़दास का 3 इडियट से, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, इससे क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी लेकिन उस प्रॉब्लम को झेलने की हिम्मत ज़रूर आ जाएगी। सो जब भी मतलब ऐसा मोमेंट लाइफ में आए कि जहाँ पे तुम्हारा इमोशनल लेवल एकदम पीक पे है और वहाँ से आगे बढ़ा तो मीटियर फट जाएगा, तो जस्ट बोल दो यार नथिंग हैपेंड और आगे बढ़ो, क्योंकि उस पेन को जब तुम बेयर कर लोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे तो दर्द थोड़ा कम होगा, वरना अगर तुम रोते रहे कि दर्द क्यों है वो दर्द और होगा यार, समझ रहे हो ना ब्रो। बस याद रखो कि जो भी हुआ है वो पास्ट है और कहीं ना कहीं तुझे मूव ऑन करना ही है भाई। तो अभी के लिए एक एग्जांपल ले लो इंजेक्शन का, इंजेक्शन का दर्द तब तक ही रहता है जब तक तुम सोचते हो, एक मिनट बाद वो अपने आप चला जाएगा जैसे तुमने सोचना बंद कर दिया कि स्ट्रांग है ना तू यार, तो झेल ले। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर से अपने पोटेंशियल को लिमिट करो, लिमिटलेस ही रहने दो, बस पेन को झेल लो। रूल नंबर 3, रिलैक्स। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ना भाई, वो तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि कुछ कॉमेडी सीन्स को अगर तुम हटा दो तो अपना जोरो एकदम चिल पड़ा रहता है, लूफी कोई भी गड़बड़ करे या शिप पे कोई कुछ भी कर रहा हो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कुछ सीरियस ना हो वो अपने जोन में चिल होता है।
तो भाई वो ऐसे ही नहीं होता, उसका भी एक रीज़न है। तुम्हें पता ही है कि जोरो को शराब कितनी ज़्यादा पसंद है, वो पार्टी में भी बहुत पीता है और शिप पे भी पूरा भंडी ही होता है। वो चिल ऐसे ही नहीं होता, वो उसका भंड होता है नशे में, इसलिए उसका दिमाग एकदम कूल होता है। लेकिन भाई मैं तुमसे अब ये नहीं कह रहा कि तुम पूरे दिन भंडी ही बैठे रहो उस चक्कर में। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जोरो शराब से अपना टॉलरेंस बढ़ाता है, वैसे ही तुम भी कोई एक फैक्टर ढूंढ लो जो तुम्हें जब तुम थक जाओ या स्ट्रेस हो तो थोड़ा आराम दे, रिफ्रेश करा दे। तो बता भाई लोग नशे क्यों करते हैं? स्ट्रेस कम करने के लिए ना, और डोपामिन के लिए। और इंडिया के बाहर तो ये पूरा कल्चर ही है पूरा। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें वो डोपामिन चाहिए तो तुम्हें नशे ही करने हैं। जोरो का ज़माना पायरेट्स का था, उस वक्त टाइम पास के लिए कुछ नहीं था, बोरिंग ज़िंदगी थी, इसलिए तो लोग एडवेंचर करने जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो रिफ्रेशमेंट है और रिलैक्सेशन भी काफ़ी चीज़ें हैं। तुम्हें गेम्स पसंद हैं, गेम्स खेलो। एनिमे मूवी वेब सीरीज पसंद है भाई देखो तो उनको देख लो। मस्ती करनी है दोस्तों के साथ, हैंग आउट करो, क्रिकेट खेलो यार, वॉलीबॉल खेलो, जो खेलना है वो खेलो। लेकिन भाई कहते हैं ना हर चीज़ लिमिट में अच्छी रहती है, अब तुम उसको लगातार करते रहोगे तो बोर तुम्हें होना ही है और बन जाओगे उसके एडिक्ट, और मज़ा आना भी ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ भी करो लिमिट में करो। सो अगर अपना संयम पेशेंस टॉलरेंस बढ़ाना है तो काम में अपना 100% देते साथ थोड़ा रिलैक्सेशन भी कर लो, वरना काम कर करके पूरा एकदम बर्नआउट हो जाओगे और बाद में गुस्सा आएगा, गिल्ट आएगा, चिल जोन नहीं रहेगा। ओके बस याद रखो एडिक्ट नहीं होना है। वीडियो रोकने के लिए खेद है, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे ड्रैगन ट्रस्टर मारो और इस बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। इस एड को सुनने के लिए अरिगातो। रूल नंबर 4, ओन योर स्किल्स एज मच एज यू कैन। ये मतलब बहुत टाइम से चलता हुआ आर्ग्यूमेंट है, जैसे वो है ना कि पहले अंडा आया या मुर्गी, सेम उसी की तरह तुम्हें जैक ऑफ ऑल बनना है या मास्टर ऑफ वन, तुम्हें एक चीज़ पे एक्सपर्ट बनना है या तुम्हें हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान चाहिए। जोरो के केस में मास्टर ऑफ वन है, जैक ऑफ ऑल का ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ना तुम घर के रहो ना घाट के। सो जो हमको पता है कि जोरो स्वॉर्ड्समैन की स्किल में काफ़ी ज़्यादा मास्टर हो रहा है, साथ में वो बाकी साइड फैक्टर को भी देखता है जैसे कि वर्कआउट, जैसे बॉडी फिट रहे। जोरो ने इतना ही नहीं किया, उसने अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करने के लिए अपने दुश्मन को भी अपना मास्टर बना लिया। मतलब जब तुम अपने गोल को लेकर इतना सीरियस हो तो उस डेडिकेशन के सामने शर्म कैसी। सामने वाला मदद कर सकता है तो मदद मांगो, जो हो सके वो करो, लेकिन परफेक्ट योर क्राफ्ट। रूल नंबर 5, इवॉल्व। शोनेन की स्टोरी का एक बेसिक ट्रेट होता है इवोल्यूशन। कुछ कैरेक्टर पावर में इवॉल्व होते हैं, कुछ फिजिकली होते हैं। और अब तुम फर्स्ट आर्क का जोरो देखो और अभी का जोरो देखो, वो पहले भी जिद्दी था लेकिन घमंडी वाला जिद्दी, और अब देखो अपना काम के लिए ज़िद्दी है। पुराना जोरो पहले सिर्फ स्ट्रेंथ पर बिलीव करता था, उसको लगता था मैंने ट्रेनिंग की है, मैं तो बेस्ट ही हूँ। उसे बिल्कुल इवॉल्व नहीं होना था, उसका हाल उस पोकेमोन की तरह हो गया था जिसे ना इवॉल्व होना है ना उसी फॉर्म में ग्रो करना है, पावर अप करना है। फिर वो मिहॉक से लड़ा, उससे रियलाइज़ किया कि इस लेवल में भाई मेरा घंटा कुछ नहीं होगा, मुझे तो इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। फिर जब वो और बैटल्स में लड़ा, उसे पता चला भाई बस स्ट्रेंथ से भी कुछ नहीं होगा, दुश्मन की वीकनेस ढूंढनी होगी, थोड़ी बहुत टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे जोरो में जो ईगो था वो भी चला गया, फिर उसने अपनी ट्रेनिंग के लेवल्स भी बढ़ाना शुरू कर दिए। जब वो वाइस कैप्टन की अपनी पोजीशन को समझने लगा तो अपने साथ साथ बाकी मेंबर्स की भी हेल्प करने लगा, उनको भी लीड करने लगा। फिर आगे उसने लोगों की भी सुनी, वो इम्प्रूव करता गया, वो अब भी कर रहा है। सोचो वो पहले ही जैसा ही होता तो तुम्हें ऐसा जोरो मिलता क्या? नेक्स्ट के 10 एपिसोड में ही मर जाता वो फिर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बताओ कैसा लगा, मेरे लिए तो एकदम न्यू एक्सपीरियंस था। अब फ्यूचर में ऐसी वीडियोस करनी चाहिए या नहीं ये भी बताओ, और बताओ नेक्स्ट एपिसोड किसके ऊपर बनाए, अपने ओनिसो का सेंस है या फिर और मंकी डी लफी। और न्यू मेंबर्स भाई मेरी बाकी वीडियो भी देख लो, कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में होंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वो घंटा भी बजा दो, इंस्टाग्राम स्टोरीज भी डालो हो सके तो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।